अभी अभी हम बिहार के काराकाट में आए हैं। काराकाट की मेला मंडी है, और जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि जिस दिन चौसा की मेला मंडी लगती है उसी दिन काराकाट में भी ये मेला मंडी लगती है। हम लोग आज के इस मेला मंडी से देखेंगे कि यहाँ पे भैंसे किस कीमत में मिल रही है, क्योंकि हम 100 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा तय किए हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि कहीं ना कहीं जहाँ जैसा जगह होता है कहीं ना कहीं उसके वजह से थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है, जगह का भी फर्क पड़ता है, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इस मेला मंडी में जो बिकने के लिए भैंसे आई हैं मिल रही है। भैया थोड़ा कष्ट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। लोग अनभिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग मिल ही जा रहे हैं। सीधा ले चलिए। इसका बच्चा क्या है भैया? बच्चा पाना है। कितने दिन का है? 8 दिन का। और कौन से बयान में है ये? दूसरी है। तीसरे में नहीं है? नहीं। दूध कितना हो जाएगा भैया? 14 लीटर करेगा, 7-7 लीटर। भैया बोल रहे हैं दूध 14 लीटर करेगा, 7-7 लीटर। हाँ, नीचे की जड़ से थोड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा अच्छा होना चाहिए। क्या मांग रहे हैं भैया? 85 दाम मांग रहे हैं भैया। 85? देने लेने वाला बता दीजिए, एक ही भाव। आप ही बताइए ना। नहीं, आप ही बता दीजिए। 80 पर रख लीजिए। 80 पे भैया इसे 80,000 रुपये में बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इस भैंस की खरीदी के लिए अच्छे से बात करने की जरूरत पड़ रही है। काराकाट के इस मेला मंडी में इस भैंस का जो कीमत हमें बताया जा रहा है, 85 बोला गया, इसके बाद बोला गया 80 की करीब। कितना में हो जाएगी? एक ही भाव बोलिए जरा, एक ही भाव लेने देने वाले। 1.80। एक कम 80 बोल रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि 70 के अंदर आ जाए तो उचित है। इस मेला बाजार में भैंसे जो है उचित रेट पर मिलती है। यही वजह है कि बहुत से जो कारोबारी हैं, जो बहुत से लोग हैं, वो लोग इस मेला मंडी तक पहुंचते हैं। अच्छी भैंस 12 लीटर दूध के लिए भैंस सबसे सही। बहुत से जो कारोबारी लोग हैं वो इस मेला मंडी में नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अन्य मंडियों में व्यापार का काम चालू किए हुए हैं। इस मेला मंडी में हम विलंब पहुंचे हैं, लेट पहुंचे हैं, शाम के करीब 3:30 बज चुके हैं। और ऐसे में हमें बहुत से लोग बता रहे हैं कि विपिन भाई यहाँ पे आप लेट पहुंचे हैं, बहुत सारी भैंसें तो बिक के चली गई हैं। हमारी नज़र एक इस भैंस के ऊपर भी पड़ी जो नई भैंस लग रही है, पहली भैंस है, इसको पड़िया कह सकते हैं, पहली भी आत्मा है, अभी हाल ही में बच्चा दी है। थोड़ा लंबा ले चलिए चाचा। कहीं ना कहीं इस जगह पे हम पहुंचे हैं तो हम लोग यहाँ पे कुछ नया ही सीखेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर जी, बहुत बढ़िया। इसका बच्चा? पाड़ी। बच्चा पाड़ी है। कितने दिन की है पड़िया वो? 5-6 दिन की पड़िया बताई जा रही है। यहाँ पे पड़िया है, ये पड़िया 5-6 दिन की बताई जा रही है। थोड़ा सीधा ले आइए। पहली पड़िया है, पहली ब्यात में ही है। जो लोग भैंस के प्रेमी व्यक्ति होंगे, जो भैंस रखने वाले लोग होंगे, वो इस भैंस को देख के ही जान गए होंगे कि ये पहली पड़िया है। कितना दूध हो जाएगा? दूध 8 लीटर है। दूध के मामले में बता रहे हैं कि दूध 8 लीटर है इसके पास। अच्छी खिलाई पिलाई रही तो ये दूध जरूर होगा, 7 लीटर 8 लीटर, इससे कम नहीं दूध होगा। और क्या दाम मांग रहे हैं चाचा? 75,000 है। होगी कितने में? 2,000 कम बेसी पे होगी, ऐसा बताया जा रहा है। ये एक अच्छी भैंस है, कीमत में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए आप लोग को खुद आकर के बातें करना होगा। ये मेला मंडी प्रत्येक
बुधवार के दिन ही लगती है। जिस दिन चौसा की मेला मंडी लगती है उस दिन ही ये मेला मंडी लगती है ना कहीं हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं तो बहुत कीमती समय निकाल के फुर्ती से यहाँ तक पहुँचे हैं। चौसा के मेला मंडी को वीडियो बनाए हैं और इसके बाद यहाँ तक पहुँच गए ताकि आप लोगों को इस मेला मंडी की भी वीडियो देखने को मिले, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि विपिन भाई आप काराकाट की मेला मंडी की वीडियो को बनाएं। कहीं ना कहीं हम अगर नए जगह पे आए हैं तो आप लोग को कीमत भी कुछ नया ही सुनने को मिल रहा होगा। हमें तो लग रहा है कि कीमत उचित है, अगर अच्छे से बातचीत चलाया जाए तो ये भैंस अच्छे ही भाव में आएगी। बच्चा पढ़िया है, ये मजे की बात है। एक भाव बोलिए तो चाचा कितने में होगी, एक ही भाव लेने देने वाला। इसको मजाक ना समझिए आप, नहीं एकदम मजाक नहीं। कितना? 70 में एक कम, 69,000 रुपए चाचा बोल रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि भैंस 60 फुट के इर्द-गिर्द हो जाएगी। अच्छी भैंस। हमारे साथ एक बगल में ही भैया हैं, काफी अनुभवी व्यक्ति लग रहे हैं। कितने दिनों से कारोबार कर रहे हैं? 10 वर्ष। भैंस खरीदते हैं? ये जो पड़िया है, जो नई भैंस है, ये कितने में हो जाएगी तो उचित है आपके देखने से, आपके नजर से? 60 पैसठ। 60 फुट के आसपास आ जाएगी? आ जानी चाहिए। चाचा 69 बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 60 तक हो जाएगी। एक आध हजार इधर मायने नहीं रखता, 1-2 हजार। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं बढ़ाए, रहने दीजिए। के पास जो बच्चा है, देखिए पड़िया है, भारी। बहुत से लोग इस आवाज को पहचान गए होंगे कि ये नई भैंस की ही आवाज है। मुंह में दांत दो ही में है, आवाज से भी बहुत लोग परख लेंगे कि ये नई भैंस है। ठीक है ना? बढ़िया भैंस है, बढ़िया भैंस है। 60-62 तक भी आ जाए तो बढ़िया है, महंगी नहीं है ना, महंगी भी नहीं। 70 में 1,000 कम बोल रहे हैं, दबाने पे इधर उधर दबाने पे तो ज्यादा महंगा होता है, हो जाएगा ना। हाँ आम बाद भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छी भैंस। काराकाट के इस मेला मंडी में हमसे देखिए ये मिले हैं। चाचा चाचा इधर देखिए, इधर शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कुमार मिश्रा है, सर हमको कलकत्ते में पंडित जी कहते हैं, पंडित जी के नाम से मैं उसे मशहूर हूँ, और ये भैंसों का हम काम करते हैं बराबर यहाँ करते हैं, चौसा करते हैं, दिलदार नगर करते हैं, जहाँ जहाँ भैंस अच्छी अच्छी होती है वहाँ वहाँ जा कर के हम खरीदते हैं जी। ये काफी ऊंची भैंस है और जान पहचान के ही लोग हैं जी। भैंस का देखिए, भैंस का हम दाम लगाए हुए हैं। कितना लगा रहे हैं? पार्टी 1,40,000 मांग रहा है, हम 1,00,000 लगाए हैं। अच्छा, पार्टी 1,40,000 मांग रही है इसका। काफी ऊंची और लंबी भैंस है, दूध में भी काफी अच्छी होगी। हमें लग रहा है कि इसका दूध 15-16 लीटर से कम नहीं होगा, दूध 14 लीटर का दाम मांग रहे हैं? 1,60। ये दिलदार नगर की मेला मंडी नहीं है भाई, सिमट जाएंगे यहाँ पे आप। क्या गलत बोले? सही बोले ना। मेला नहीं चला ना भैया, 1,60 बोल रहे हैं। पंडित जी हमसे बोल रहे थे कि 1,40 इसका कीमत बोला। ये भैंस है, 1,40,000 मांग रहा है, इस झोटी का 1,40 मांग रहा है। इसका बबुआ बड़ा इतनी जमाने तो एक बोल दिए है, और 1,500 की कोई क्रिया नहीं है। ये यदि बोलेगा तो हम 1,500 तक भैंस लेंगे। अरे दे दो भैया, इनकी भैंस है, ये काराकाट के रहने वाले हैं, हम भी काराकाट के निवासी हैं, हम काराकाट में खरीदते हैं,
दिलदार नगर में खरीदते हैं, चौसा में खरीदते हैं, जटमलपुर में खरीदते हैं, हर जगह हम भैंस खरीदते हैं ग्राहकों। इनसे मांगे हैं भैंस? मांग रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 1,04,000-5,000 रुपये का दिए दीजिए भैया भैंस को। काफ़ी ऊँची भैंस है ना, इसका दूध 1500-1600 से कम नहीं होगा। 14 लीटर तो मिनिमम दूध बच्चा इसके पास पड़िया है ना, बड़ा बच्चा है, पाणा है, माफ कीजिएगा, पाणा ही बच्चा है ना। काफ़ी ऊंची और लंबी भैंस है, इसका सौदे की बातें चल रही है। इसका कीमत जो खरीदार व्यक्ति थे वो पूरे 1,05,000 रुपये लगा दिए हैं। काफ़ी ऊंची और लंबी भैंस है, हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मेला मंडी में भैंस जाएगी तो 1:20 से कम में नहीं बिकेगी। वैसे यहाँ पे जो भी खरीदार व्यक्ति हैं वो इसको 1:10 के अंदर अंदर खरीद लेंगे, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। दूध इसका 14-15 लीटर से ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अच्छी भैंस है, बच्चा पाना है, थोड़ी ब्यात में ज़्यादा है, ये करीब चौथे से कम नहीं होगी, ऊपर ही होगी, जितना होगा पाँचवें छठवीं। एक पर्ची अगर यहाँ से बनती है तो कितना रुपया लगता है? 300। अधिकतर लोगों की जरूरत इस तरह के मेला मंडियों से मुर्रा टाइप भैंसों की जरूरत होती है। मुर्रा भैंस खोजते खोजते लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे जो आप लोग ये भैंस देख रहे हैं ये मुर्रा भैंस है। भाई थोड़ा इधर ले आइए, कौन से बयान में है आपकी ये भैंस? काराकाट। नहीं, बयान पूछ रहे हैं, काराकाट तो है। दूसरा दूसरा बच्चा क्या है इसके पास? पाणा। कितने दिन का है पाणा? हो गया 4 साल। कितना दूध हो जाएगा इस? टाइम पे 12। टाइम पे 12 किलो, दोनों टाइम का, दोनों टाइम का दूध बता रहे हैं ना? बहुत चिल्ला रही है, है? दोनों टाइम का दूध है 12 लीटर, एक टाइम 12 किलो, रिकॉर्ड बना देंगे क्या? बा चल रहे हैं अभी, लोगों का प्रेम है, लोग बोल रहे हैं कि हमारी भैंस का वीडियो बनाइए, हमारी पानी का वीडियो बनाइए। इधर आइए भैया, दाम बता दीजिए। दाम एक पाँच। आइए अभी आइए भैया, मालिक आप है बानी? कितना नो भैंसी आपका? 1,15 एकड़। भैया 1.5 बोला था ना, तू 1.5। थोड़ा सा एक बार और निकलवाइए भैंस को, तो अच्छी भैंस है, तो कहीं ना कहीं आँख तरसती है, अच्छी भैंस दिए थे कि नहीं? हाँ दिए थे भैया से, हम भैंस खरीद चुके हैं आपके, बहुत से लोगों से हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम भैंस खरीद चुके हैं, दर्जनों भर से ऊपर के भैंसे खरीद। भैया ये भैंस आप ही की है ना? जी हमारा भैंस है। तो दूधवा कितना हो जाएगा टाइम का? भैया एक टाइम 7 लीटर दूध रेडी है। 7 लीटर में 14 कितने रुपया में हो जाएगी सही बोलिएगा? उसमें छोड़ा छोड़ी नहीं? नहीं छोड़ा छोड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नब्बे दो। छोड़ा 14 लीटर दूध लेना। भैया कह रहे हैं कि 14 लीटर दूध लेना है। अच्छी भैंस है, महीन और बारीक चमड़ी में है। अच्छी भैंस है, बहुत अच्छी भैंस है भैया, 14 लीटर की दूध इसमें रेडी है। 14 लीटर इसमें दूध लेना, दूध के लिए एकदम पक्का गारंटी। आप झूठ नहीं बोलते? नहीं नहीं सही बात, ये भी भैंस दिए थे आप झूठ बोले थे? नहीं नहीं भैंस अच्छी निकली थी आपकी भैया, भैंस अच्छी निकली थी, अच्छी भैंस है, बिल्कुल महीन और बारीक चमड़े में है, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और स्पर्श भी कर रहे हैं। आदमी आता है चमड़ीदार, तो मंडी ऊपर तो भैंस है,
एक बात पक्का रेट ग्राहक कहाँ से कहाँ तक दाम लगाए हैं सही बोलिए तो ईमानदारी पीपल के ब्रिज के नीचे है झूठ नहीं बोलना। हाँ इसको 85,000 रुपया 85,000 मिल रहा है नहीं सही बोल रहे हैं आप। हमको भी अंदेशा था कि इस कीमत के योग्य ये भैंस हो सकती है अच्छी भैंस है 85 भैया बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं बेचने वाला दाम 92,000 अच्छी भैंस है दूध इसका आप लोग मान के चलिए कि 6 लीटर टाइम का कहीं भी दूध नहीं गया अगर खिलाई पिलाई अच्छी रही तो 7 लीटर भी दूध दे सकती है नहीं बहुत है आप लोग का सहयोग बहुत है आप लोग के हित के लिए ही हम यहाँ तक आते हैं आप मान रहे हैं ना ये बात को भैया मंडी में जो हमें सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है छप्पर है ना जिधर जाएंगे आप लोग उधर देखेंगे बल्लियों से बांस से छप्पर लगाया गया है इससे क्या होगा कि जो भी इसमें किसान व व्यापारी अपनी मवेशी का क्रय विक्रय करने के लिए लोग आएंगे तो उन्हें गर्मी और ताप से राहत मिलेगी। यहाँ पे जो आप लोग ये सब भैंसे देख रहे हैं सब की सब भैंसे खरीदार व्यक्तियों द्वारा खरीदी हुई भैंसे हैं हम जैसे कि पहले ही आप लोगों को बताएं कि लेट पहुँचे हैं बात बताइए भैया अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे आना होगा तो क्या पता होगा पता जरा बता दीजिए काराकाट के नाम से काराकाट तो है लेकिन कौन सा जिला लगता है रोहतास जिला और कौन सा विधानसभा है काराकाट जगह कौन सा हो गया ये काराकाट ही है यहाँ पे आ सकते हैं ना इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन विक्रमगंज नजदीकी जो रेलवे स्टेशन बताया जा रहा विक्रमगंज बहुत से हम मेला मंडियों में देखे हैं कि जैसे कोई नया व्यक्ति आ गया भैंस खरीदने के लिए तो उसका ऐसा हाथ पकड़ा जाता है और घींच के ले जाया जाता है जबरदस्ती यहाँ पर ठीक है ना बहुत बढ़िया सुंदर कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है सुरक्षा है ना सुरक्षा क्या फोर्स लगी है मतलब हर तरीके से सुरक्षा मिल जाएगा हम अधिकतर यहाँ पे देखे हैं मेरे भाइयों मैं रियल बता रहा हूँ हमारी थोड़ी यहाँ से दूरी पड़ जाती है कहीं ना कहीं आप लोग समझ जाइए कि 120 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा हम तय करते हैं तब जाके काराकाट में पहुँचते हैं हमारे सामने जो है दो समस्या होती है एक तो ये कि चौसा की मेला मंडी को पकड़ना होता है समय लग जाता है 12:00 और थक जाते हैं इस वजह से हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं लेकिन आज हिम्मत और क्षमता बना करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके यहाँ तक पहुँचे हैं 3:30 बजे आए हैं और अभी हो गया 4:30 थोड़ा घुमाइए कहीं ना कहीं लोग हमें जो भी मिल रहे हैं वो नए हैं हमारे लिए लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को तो मालूम ही होगा हम अपनी हिम्मत और क्षमता से कहीं ना कहीं हर जगह पे बातें कर लेते हैं वो भी बहुत ही आसानी से का नाम है भैया आपका नाम दाम नहीं एक दस हम दाम नहीं पूछना है भैया हाँ। नाम पूछे आपका धन जी नाम है इसीलिए धन का नाम बता दिए कि एक दस इसके लिए हमें बारीकी से बात करना होगा तब जाके असली कीमत इस भैंस का बताएंगे बच्चा इसके पास हम देख रहे हैं ये पड़िया फीमेल ही है एक दस भैया कीमत बोल रहे हैं ये तीसरे ब्याज से कम में नहीं होगी कितना दूध हो जाएगा भैया दूध इसका 14 बता रहे हैं ले चलिए आगे बढ़ाइए हैवी वेटर है इसका दूध में दबेगी नहीं 14-15 लीटर दूध इसका कहीं भी नहीं दिया है इसका यहाँ पे सौदे की भी बात चल रही है अगर ये भैंस यहाँ पे बिकेगी तो तुरंत हम आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे कि ये भैंस कितने रुपए में बिक रही है क्या नाम है आओ आओ यहाँ नए लोगों के लिए कौतूहल का विषय हो जाता है कि हो क्या रहा है
जो लोग दूध से मतलब रखने वाले लोग होंगे वो इस सिंह को अनदेखा करेंगे, और जो शौखिया लोग होंगे वो तो चाहेंगे कि भैया हमको एकदम मुर्रा भैंस चाहिए, है ना। लेकिन ये वो भैंस है जो लोगों को कहीं ना कहीं पैसे से भरेगी, आप लोग यकीन कीजिए, क्योंकि इसका दूध कम नहीं होगा। 13-14 लीटर दूध इस भैंस का कहीं भी नहीं दिया, ये उचित भैंस है इतना दूध के लिए। जो लोग मुर्रा टाइप के भैंस को खोजते हैं उनके लिए भी ये मेला मंडी सबसे सही है। देखिए बिल्कुल बंद मुट्ठी की सिंह वाली ये भैंस है, हमें लग रहा है कि दूसरी भी आत्मे होगी जिनकी भैंस है, वो 14 लीटर बोल रहे हैं, लेकिन हमें 14 लीटर नहीं होगा। क्या दाम मांग रहे हैं चाचा इसका? चाचा दाम क्या मांग रहे हैं? दाम 5 लाख। 5 लाख अपना भी जोड़ दे रहे हैं क्या उसमें? श्रीमान जी कितना में दिलाए हैं, सही बोलिएगा। 90,100 के लेंगे। 90,100, बहुत बढ़िया, एक अच्छी डील कराए हैं ये भैया। क्या नाम है आपका? सोनू तिवारी। सोनू तिवारी, गाँव कौन सा है आपका? वो है बक्सर जिला। बक्सर जिला खरपुरा। हाँ खरपुरा। अरे बहुत लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि भैया वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। हाँ। अरे भैया कहाँ से आते हैं? जबलपुर से आते हैं। अच्छा ठीक है। सोनू भैया बच्चा तो इसके पास पड़ा है ना? बच्चा तो देखिए देख ले पड़ा है कि पाड़ी है। अच्छा माफ कीजिएगा, पढ़िया बताई जा रही है, पढ़िया है। पाड़ी, पाड़ी। बहुत बड़ा। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक भाई मिले हो क्या हमसे? कहाँ पे? दिलदार नगर। दिलदार नगर। अभिषेक भाई ये भाई किसकी है? बिक रही है यहाँ पे। तो भाई सोच लाए थे। हाँ। कितना? 400। कितना? 4 गो। 4 गो बिक गई साहब। ऊंची और लंबी भैंस की यहाँ पे बिक्री हो रही है, पूरे पूरे 90,000 के करीब। बच्चा पणिया है, खुला टाइप भैंस है। इस तरह की भैंसों की मांग अत्यधिक डेयरी फार्म में होती है। हमें लग रहा है कि ये जो खरीदी हो रही है थोड़ी सी ऊंची हो रही है। ये भैंस अगर 80 के आसपास आई होती तब जाके ठीक था। क्या हो सकता हमसे झूठा भी बताया जाता होगा ये कीमत, ताकि वीडियो में उजागर ना हो इसका कीमत। भैंस खरीदने वाले खरीदवाने वाले व्यक्ति इसको पास कर दिए हैं। यहाँ पे आइए, आप भी बहुत भैंस बेचते हैं। मान लीजिए आज आप भैंस बेचने के लिए आए हैं, कितना भैंस लेके आए थे? 400 सब बेच दिए। अगर आपको ये भैंस खरीदना होगा, इधर आइए आगे, भैया दिव्यांग हैं, कहीं ना कहीं पैरों में इनको दिक्कत है। अगर ये भैंस आपको खरीदना होगा तो कितने रुपए में खरीद देंगे? 80 के नीचे। 80 के नीचे, बहुत बढ़िया। एक अच्छी भैंस है, मुर्रा टाइप भैंस है। इस तरह की भैंसों की मांग अत्यधिक पूरे भारत में बनी रहती है, पूरे वर्ल्ड में बनी रहती है। लोगों के अंदर क्या है कि मुर्रा 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 है ना, लोग मुर्रा खोजते हैं। लेकिन मैं कई बार ऐसे चीज़ें देख चुका हूँ जो खोला टाइप, मान लीजिए खुला सिंह की भैंस हो, लेकिन दूध में वो भी ढक देती है अच्छी अच्छी भैंसों को। यहाँ देखिए काराकाट के इस मेला मंडी में एक भैंस की बिक्री हो रही है। गृहस्थ व्यक्ति है, गांव वाले व्यक्ति हैं ये लोग। जो लोग नए व्यक्ति होते हैं, जैसे कारोबार से नहीं जुड़े व्यक्ति हैं, कभी कभार वाले हैं, उन्हें हम देख के ही परख लेते हैं कि ये गांव के व्यक्ति हैं और कौन व्यापारी व्यक्ति है। इस भैंस की यहाँ पे खरीदी हो रही है, हमें लग रहा है कि भैंस दूसरे दूसरे भी आदमी हो, पहला भी है ना। थन से तो ऐसा लग रहा है कि
पहले में, लेकिन माथे की तरफ देखने पर नहीं मालूम चल रहा है कि ये पहले में है। दूसरा है ना, दूसरा कितने में बिक रहे कुछ मालूम चला? गृहत लोग हाँ, 74 कितने में बेचे? 74,000 रुपए में इसकी बिक्री यहाँ पे बताई जा रही है। ये दूसरे में ही है, हमको अंदेशा लग गया था पहले ही कि दूसरी में होगी। बच्चा इसके पास हम देख रहे हैं, बच्चा पढ़िया ही है। आए है, है, है। बच्चा पढ़िया है, इसकी यहाँ पे पर्ची भी तैयार हो गई। पूरे पूरे 74 में इसकी यहाँ पे बिक्री बताई जा रही है। भैया अगर ये जमहरी को लोहा से पाड़ी ले ले रही 33,000 के, एक पर्ची अगर यहाँ पे बनती है भैया तो कितना रुपए लिखाई लगता है? 300 रुपए लिखाई है। 300 लोगों की जरूरत इस तरह की भी भैंसों से है। अच्छी भैंस है, हमें लग रहा है कि 10-12 लीटर दूध वाली ये भैंस हो सकती है। हो नहीं सकती है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 12 लीटर दूध हो जाएगा इससे बहुत ही आसानी से। इसका बच्चा क्या है भैया? देखिए बहुत से लोग जो हमें बोल रहे हैं कि दिलदार नगर रहते हो, आ रहे हो यहाँ, बच्चा पा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ाइए भैया, बहुत से कारोबारी हैं जो लोग उत्तर प्रदेश के मेला मंडी में अपना कारोबार के पहुँचते हैं, भैंस लेके जाते हैं यहाँ के मेला मंडी से। दूसरे भी अन्न में है? तीसरी में नहीं है भैया? हमको तो लग रहा है कि तीसरी से कम में नहीं है, ऊपर ही है। दूसरी हमको पकड़ के लिया। और दूध कितना मिल जाएगा? इसका 12 लीटर। 12 लीटर और क्या दाम में होगी ये भैंस? 85,000। और जाएगी कम बेस हो जाएगा उसी में। तो जाएगी कितने में, एक ही भाव बता दीजिए? 1,500 कम हो जाएगा उसी में। कितना में उसी में? 85 में। बटा रेट बता दीजिए, जो आप लोग की भाषा में चलता है बटा दाम। बटा मैंने 80,000। भैया इसको 80,000 रुपये में बोल रहे हैं, रुपया ले लीजिए 62,000। ऐसा नहीं है, हाँ खरीद करते हैं हम लोग का बिना। 65 नहीं होगा, नहीं होगा, 70-75 के करीब भैंस हो सकती है। मैं कड़ी मेहनत से एक एक वीडियो यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, तो इस तरह के वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी करें अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको अगर इस वीडियो से लाभ नहीं पहुँचे तो अन्य व्यक्ति को लाभ मिले। आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को। जैसे ये देखिए भैया कलकत्ता से आते हैं ना भैया, शुभ नाम? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई हैं और ये बता रहे हैं हमें कि यहाँ की भैंस इस तरह की है ना, तो कहाँ की भैंस आपके लिए बहुत बढ़िया रहती है ऊंची, और कहाँ की भैंस कैसी है जरा बताइए? काराकाट और दिलदार नगर की भैंस अच्छी है, मधोल की भैंस थोड़ा पैर से कमजोर होती है, लेकिन वहाँ भी भैंस अच्छी है, लेकिन वहाँ की बीमारी नहीं बर्दाश्त करती, बीमारी झेल नहीं पाती है मधोल वाली। जी जी। अच्छा, काराकाट और दिलदार नगर सबसे बढ़िया? सबसे बढ़िया। 16 भैंस खरीदी है। जो भैया दिखाई दे रहे हैं वो इस भैंस को खरीद लिए हैं, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये बोले कि क्या फ़ायदा हुई, अब तो बिक गई है, खरीद लिए हैं हम। लेकिन भैया को हम एक ही बात बोले कि भैया जैसे आप इस भैंस को खरीद के संतुष्ट हुए हैं, वैसे ही लोग देख के संतुष्ट होंगे, इसका कीमत को जान के संतुष्ट होंगे। कितना में खरीदे हैं भैया, सही बोलिएगा? एक बीस में। कारोबारी हैं?
गमछा से है और सकल सूरत से तो लग रहा है कि कारोबारी है। नहीं नहीं, चलिए वो मालूम चल जाएगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो तुरंत कमेंट कर देंगे कि हाँ भैया ये कारोबारी हैं और किस मेला मंडी में दिखाई देते हैं। काफ़ी अच्छी भैंस ये खरीदे हैं भैया, इसको बोल रहे हैं कि 120 में हम लिए हैं। बच्चा हम देख रहे हैं यहाँ पे पड़िया है, पड़िया ही है, फीमेल है। काफी शाम होने वाला है, ऐसा है कि बादल हो गया है और बिजली भी कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और इस वजह से जो छप्पड़ के अंदर भैंसे हैं तो थोड़ी सी ऐसा भी भैंसे काली होती है, कहीं ना कहीं काला का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यही थोड़ा उजाला रहता है तो स्पष्ट भैंसों का कलर और हर चीज़ आप लोग को स्पष्ट दिखता है।